आज के लोकतंत्र के दौर में भले ही राजाओं से उनकी ताकत और शासन छिन गया हो, लेकिन आज भी ऐसे कई राजा और राजकुमार और उनके वंशज हैं जिनका शाही ठाट और राजशाही जीवन देखने को मिलता है। ऐसी ही एक शख्सियत हैं जयपुर के राजा सवाई पद्मनाभ सिंह। सवाई पद्मनाभ सिंह की उम्र तो मात्र 21 वर्ष है, लेकिन इतनी कम उम्र में राजा बनने और अरबों की संपत्ति के हकदार होने के कारण वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जयपुर भारत के सबसे बड़े रजवाड़ों में से एक है। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर में कच्छावा वंश के राजपूतों ने राज किया। पद्मनाभ सिंह इसी वंश के महाराजा हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। असल में जयपुर के पूर्व महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह की इकलौती संतान हैं राजकुमारी दिया कुमारी और राजकुमारी दिया कुमारी के पुत्र हैं ये पद्मनाभ सिंह। पद्मनाभ सिंह जब मात्र 5 वर्ष के थे तो इनके नाना महाराजा भवानी सिंह ने इन्हें गोद लिया था और महाराजा भवानी सिंह की मृत्यु के बाद राजकुमार पद्मनाभ सिंह महाराज बन गए। महाराजा पद्मनाभ सिंह का जन्म 12 जुलाई 1998 को हुआ। पद्मनाभ सिंह महाराज कुमारी दिया कुमारी और महाराज नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं। पद्मनाभ सिंह का एक छोटा भाई है जिसका नाम राजकुमार लक्ष्यराज सिंह है, जो वर्तमान में सिरमौर के महाराजा हैं। इनकी एक छोटी बहन है राजकुमारी गौरवी कुमारी। महाराजा पद्मनाभ सिंह की माँ राजकुमारी दिया कुमारी वर्तमान में संसदीय क्षेत्र सवाई माधोपुर से भाजपा की विधायक हैं। पद्मनाभ सिंह की माता महाराज कुमारी दिया कुमारी जयपुर के पूर्व महाराजा भवानी सिंह जी बहादुर की इकलौती संतान है। सन 2002 में महाराजा भवानी सिंह जी ने पद्मनाभ सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना। उस समय पद्मनाभ सिंह की आयु केवल मात्र 5 वर्ष थी। भवानी सिंह जी के गुजर जाने के बाद उनकी इच्छानुसार पद्मनाभ सिंह का जयपुर के महाराज के रूप में अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद वे जयपुर के 12वें महाराजा और कच्छावा राजपूत वंश के 40वें प्रमुख बन गए। 2002 में जब उन्हें भवानी सिंह जी द्वारा गोद लिया गया था, उस समय जयपुर में बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। ये समारोह जयपुर के सिटी पैलेस में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा भव्यशाली समारोह था। महाराजा ब्रिगेडियर भवानी सिंह के पिता सवाई मानसिंह द्वितीय का राज्याभिषेक भी उसी स्थान पर 81 वर्ष पहले किया गया था। पद्मनाभ सिंह जी ने अजमेर के मेयो कॉलेज से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वर्तमान में वे इंग्लैंड के मिलिए फील्ड स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं। इंग्लैंड में उन्होंने मिलफील्ड स्कूल में पढ़ाई की व न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में लिबरल आर्ट्स का कोर्स किया। महाराज पद्मनाभ सिंह वर्तमान में रोम और इटली में रहते हैं। वह यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूसियोलॉजी एवं आर्ट्स से कला के इतिहास का कोर्स कर रहे हैं। पद्मनाभ सिंह अपने पोलो के फैशन के लिए जाने जाते हैं। पोलो पीढ़ियों से उनके परिवार में खेला जा रहा है। वह भारतीय ओपन पोलो कप के सबसे कम उम्र के विजेता और विश्व कप पोलो टीम के सबसे कम उम्र के सदस्य रह चुके हैं। पोलो के अलावा महाराजा पद्मनाभ सिंह फैशन में बेहद दिलचस्पी रखते हैं। वह 2018 की फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में भी रह चुके हैं। पद्मनाभ सिंह जी अक्सर अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करते रहते हैं। जयपुर रियासत के महाराजा पद्मनाभ सिंह सिर्फ 19 साल की उम्र में इटली के मिलान में डाल्चे एंड गब्बाना जैसे टॉप इंटरनेशनल ब्रांड के लिए रैंप वॉक पर चल चुके हैं। पद्मनाभ सिंह में वे तमाम खूबियां हैं जो किसी राजसी चेहरे पर दिखती हैं। साथ ही वे सबसे छोटी उम्र में बिलियनो की प्रॉपर्टी के मालिक हो चुके हैं। वे प्रिंस और प्रिंसेस दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वे जब केवल 4 साल के थे तभी उन्हें पढ़ाई के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज भेज दिया गया। ये कॉलेज यानी स्कूल देश में लड़कों के लिए शानदार बोर्डिंग स्कूल माना जाता है। स्कूल में ही आगे की पढ़ाई के लिए पद्मनाभ सिंह को ब्रिटेन के
मिलफील्ड स्कूल भेज दिया गया। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए महाराज ने स्कूली पढ़ाई खत्म की। इसी दौरान उन्हें कई ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो राजसी लोगों के शौक में शामिल होती हैं। 13 साल की उम्र में महाराज ने पोलो खेलना शुरू कर दिया। इससे में महारत हासिल कर ली और इसी दक्षता के कारण वे इंडियन पोलो टीम के कैप्टन भी रहे। देश विदेश में अपने दौरों और दुनिया भर के राजसी लोगों से अपनी मित्रता के चलते वे इंग्लैंड के प्रिंस विलियम और हैरी के साथ भी पोलो खेलते रहे हैं। पोलो का शौक इतना ज़्यादा रहा है कि महाराज को वर्ल्ड कप पोलो टीम में द यंगेस्ट एवर प्लेयर का खिताब भी मिल चुका है। इन शौकों से अलग इस युवा महाराज को अपनी जिम्मेदारियां भी खूब पता हैं। यही वजह है कि वे लड़कियों की शिक्षा और उनकी मजबूती की काफ़ी हिमायत करती हैं। महाराज पद्मनाभ सिंह की दादी पद्मिनी देवी भी स्त्री शिक्षा और पर खास जोर दिया करती हैं। महाराज की मां दिया कुमारी भी इस काम में जुड़ी हैं। यानी महाराज पद्मनाभ सिंह के लिए खानदानी विरासत को संभालने जैसा काम है। जयपुर राजघराने के 303 वे वंशज को सुजान राजमहल पैलेस से खासा लगाव। एक वक्त पर राजघराने का निजी पैलेस अब बहुत से हिस्सों का होटल में तब्दील हो चुका है। हालांकि इसमें एक बड़ा हिस्सा अब भी राज परिवार के लिए है। 2 साल पहले महाराज पद्मनाभ सिंह ने इसे रेनोवेट करवाया है। महज 20 साल की उम्र में जयपुर के महाराजा पद्मनाभ सिंह के पास $2.8 बिलियन की संपत्ति है। साथ ही महाराज कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के मॉडल भी हैं।